Mamangam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है ममंगम का ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर। और इसका हिंदी ट्रेलर का हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अदर लैंग्वेज में तो आया हुआ था लेकिन हिंदी में नहीं आया हुआ था। और हिंदी में देखते हैं इसमें एक्चुअली चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी, तो हम सबको क्लियर कर पाएंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लोवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा, वो आंसू की बूंद नहीं ज्वाला का रूप लेगी। बंदरगाह के कुरैशियों से पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में। कलयुग के इस रावण के विनाश के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता है। ये फैक्ट है भाई, लौंडा तक छोटा सा है। पद्मकुमार तो भाई, एज यूजुअल जो इसका टीजर आया हुआ था, टीजर के अकॉर्डिंग जो ट्रेलर है, ट्रेलर और खतरनाक है। और हिंदी में अब मतलब हमें पूरा समझ आ चुका है, मतलब क्या मतलब मेन लाइंस हैं। और जब दूसरी लैंग्वेज में था तो इतना मतलब समझ नहीं आया था। थोड़ी सी जो टीजर को देख के हमें थोड़ी सी इसकी चीज़ें क्लियर हुई थी। उसमें ये ममंगम एक फेस्टिवल है जो एक ट्री स्टोरी बेस्ड है, सबसे मेन चीज़ ये है। और जो यानी कि एक बदले की भावना, यानी कोई ना कोई अत्याचार हुआ था तो उस चीज़ को लेके उस यानी वहाँ से कोई भी पर्सन जाएगा उसमें ममंगम फेस्टिवल में, तो ये समझ लो बदले की भावना से ही जाएगा, क्योंकि उनके साथ जो बुरा हुआ है तो उसका बदला लेने के लिए। और बीच में वो बोलता ही है, मतलब जब भी रावण पैदा होता तो उसको मारने के लिए मतलब किसी ना किसी को अवतार लेना ही पड़ता है। तो मतलब वही फेस्टिवल के थ्रू ही कुछ उसमें है स्टोरी में। और इसमें बेसिकली जो मेन दिखाया गया बच्चे का रोल भाई साहब बिल्कुल खतरनाक दिखाया गया है। ये मान लो कि जो उसने जितना एफर्ट किया है, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करी होगी यानी इस सीन को करने के लिए, तो भाई उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। क्योंकि देखो जिस हिसाब से उसने जंपिंग साथ के साथ तलवार चलाना सब कुछ, यही एक छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं होता है। और ममूती जी की बात करें तो यार उन स्टार की तो बात ही, यार उनके लिए तो कुछ भी बोलना हमारे लिए तो भाई हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे, तो वो चीज़। और इसका हमने जैसे मेकिंग भी देखी थी वीडियो, तो इन्होंने मतलब बहुत मेहनत की है सेट को बनाने में। 7 महीने कंटिन्यू देना और उसके बाद सेट को तैयार करना, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें डेवलप करना। और मतलब जो भी इन्होंने मतलब ओरिजिनल सेट दिखाने की कोशिश की है, मतलब 7 महीने उसको बना के उसमें कितनी पेंटिंग्स, कितनी मूर्तियाँ। और सबसे मेन चीज़ ये भी है ना कि एक ओल्ड वर्जन दिखाना, क्योंकि उतना पुराना दिखाना ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आप करंट का तो दिखा सकते हो, करंट में थोड़ा सा एनिमेटेड करके सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ओल्ड वर्जन दिखाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस हिसाब से एक मेरे को बहुत अच्छा डायलॉग लगा था उनका कि इस जगह की अगर
औरतें अपनी आंसू बहाएं पतियों की मौत पे, तो वो एक बूंद भी एक ज्वालामुखी के बराबर है। तो मतलब उससे जो उनकी जो फेस्टिवल था उससे रिलेटेड, और उनका जो मतलब एक दुश्मन था या रावण जो बोलते हैं जिसको, मतलब जिसने अत्याचार किया है तो उसको मारने के लिए मतलब वो इतना कुछ, यानी बस वही चीज, यानी अत्याचार होगा तो भाई कोई ना कोई बचाने कोई वाला बनेगा, ठीक है। यानी अत्याचार आदमी कब तक सहेगा, क्योंकि देखो हर किसी की एक लिमिट होती है, और जब वो पाप का घड़ा भर जाता है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई उसका विरोध करता ही करता है, और जब सारे मिल के विरोध करते हैं तो जीत सच्चाई की होती है हमेशा। तो ये था हिंदी में ट्रेलर, और हिंदी में ट्रेलर बिल्कुल समझ आ रहा है क्लियर कट की क्या चीज़ है, क्या मूवी है, और बहुत ही बढ़िया मूवी है। और एक चीज़ तो है कि ये मूवी बहुत अच्छी बनने वाली है, इसमें तो ये कहूँगा कि दोस्तों ये मूवी जरूर देखने जाना, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टिंग है, क्योंकि वो 68 ईयर की एज में ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बनता भी है, ठीक है। तो ये हमें तो पहले से ही पसंद है, ट्रेलर भी टीजर जो भी पहले आए थे, और ये तो हमें बहुत ही पसंद आया है। आपको कितना इंतज़ार है इस मूवी का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं लिख के, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की जो नई नई वीडियो आती है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये यार वीडियो इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी मूवी बनने जा रही है तो लाइक करना तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।